Hi, I am Ehtisham Ali. I am from Rampur, UP. I have done my graduation from Tirthankar Mahavir University, Muradabad. So basically, मेरा कोई law में interest नहीं था कि मुझे law में जाना है. लेकिन मैंने 12th किया था maths से, तो उसके बाद मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ, कहाँ पर admission लूँ, क्योंकि BTech बहुत tough होता है, उसमें math करना होता है, और मैं हर उस situation से भागता था जो चीज़ tough होती थी, मैं उसको छोड़ देता था. तो मैंने सोचा कि मैं LLB में एडमिशन ले लेता हूँ, उसमें थियोरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं, पढ़ लूँगा एक दिन पहले और पास हो जाऊँगा. तो इसलिए मैंने अपने आप को इनरोल कराया BBA LLB में. उसके बाद BBA LLB में मैंने कुछ सब्जेक्ट देखे तो मुझे वो भी समझ में नहीं आ रहे, तो मैंने उसको BBA LLB को भी छोड़ के मैंने अपना शिफ्ट करा दिया BBA LLB से BLLB में. फिर मैं 5 साल तक मेरा मतलब मैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ता था और पास होता था. फर्स्ट ईयर में बैक भी आई, क्योंकि वही है, सिचुएशन को देख के भाग जाता था. कई बार ऐसा होता था कि मुझे कुछ पूछना भी होता था तो मैं पूछ नहीं पाता था, क्योंकि मुझे वो चीज़ टफ लगती थी, और मैं हर उस सिचुएशन से भागा हूँ अभी तक जो मुझे टफ लगती है. तो ये मेरे साथ एक चीज़ है जो होती आई है. और मैंने लेकिन ये ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद मेरा BBA LLB कम्प्लीट हुआ है लास्ट ईयर 2019. तो लॉसिको का मुझे कैसे पता चला, जब मैं लास्ट ईयर में था तो मेरा एक फ्रेंड है, उसने यहाँ पर एक कोर्स किया है DVL का, उज़ैर अहमद ख़ान, और उसने यहाँ पर जनवरी में लास्ट ईयर में इंटर्नशिप की थी. तो मैंने जब मैं लास्ट ईयर में था बहुत कंफ्यूज था कि मुझे करना क्या है, लॉ तो मेरा कम्प्लीट होने वाला है. तो उसके बाद मुझे लगा मुझे जुडिशरी में जाना है, इंटरेस्ट मेरा जुडिशरी में था कहीं ना कहीं पर कि मैं जुडिशरी कर लूँगा, लॉ कम्प्लीट हो जाएगा. तो और जब उज़ैर यहाँ पर आया तो उज़ैर हर्ष सर से मिला, हर्ष सर ने जुडिशरी का एग्ज़ाम निकाला है और वो लॉसिको में कोर्स बनाने के लिए बोल रहे थे उज़ैर से भी. फिर उज़ैर ने मुझसे बोला कि वहाँ पर हर्ष सर हैं, तुम उनसे बात करो कि अगर तुम्हें जुडिशरी में जाना है. तो फिर मैंने सर को कॉल की कि सर मुझे ऐसे ऐसे जुडिशरी में जाना है, मुझे इंटरेस्ट है, तो मुझे क्या स्टेप लेने चाहिए जुडिशरी के लिए. तो सर ने मुझसे बोला कि तुम जब तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए तो तुम मेरे पास आओ, हम कोर्स बनाएंगे, तुम्हें उसमें हेल्प करेंगे कोर्स में, और तुम्हें जो चीज़ें सीखनी है हम सिखाएंगे. लेकिन मैंने सर से कहा कि मुझे आपके लॉसिको से कोर्स भी करना है, तो बताइए, सजेस्ट करिए कि मुझे जुडिशरी से रिलेटेड क्या कोर्स करना चाहिए जो आगे मुझे फ़ायदेमंद हो. तो सर ने एज सच कुछ नहीं बोला कि अभी जुडिशरी के लिए कोई कोर्स नहीं है, तुम आ जाओ, हम वहीं पर सिखाते हैं. लेकिन मैंने फिर भी इनरोल किया अपने आप को क्रिमिनल लिटिगेशन में. तो क्रिमिनल लिटिगेशन में बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी, लेकिन जब मैंने इनरोल किया था अप्रैल 15 2019 में, तो उस टाइम मेरे एग्ज़ाम थे, मई में मेरे लास्ट ईयर के एग्ज़ाम थे, तो मैं कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाया. कोर्स को कंप्लीट किया, मैं एक भी एक्सरसाइज नहीं कर पाया था. फिर मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ, मतलब मेरे एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए, तो मैं फिर यहाँ इंटर्नशिप करने के लिए आया लॉसिको में. तो इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में सबसे पहले मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया. वो कोर्स मैं जो 2.5 महीने में कुछ भी नहीं कर पाया था, एक भी एक्सरसाइज सबमिट नहीं कर पाया था, वो मैंने 25 डेज में पूरा कंप्लीट किया, और मैं बहुत कुछ सीखा उससे. बेसिकली मतलब मैं करता था तो रिसर्च मेरी बहुत अच्छी होने लगी, मैं बेल ड्राफ्ट की एंटिसिपेटरी बेल ड्राफ्ट करना सीखा, प्रोटेस्ट पिटीशन ड्राफ्ट करना सीखा, मतलब प्रैक्टिकल बहुत सारी चीज़ें मैं सीखा. अगर कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट या सेकेंड ईयर का स्टूडेंट ये चीज़ें सीख ले तो उसको इंटर्नशिप में अगर वो हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा तो उसको बहुत बेनिफिट होगा इस चीज़ से. सो जब मेरा इंटर्नशिप में मैंने आपको पहले अभी बताया कि मैंने 25 डेज में तो अपना कोर्स ही कंप्लीट किया, मतलब मैं जुलाई में यहाँ पर आया था एज अ इंटर्न, तो मैंने एक महीना तो पूरा अपना कोर्स कंप्लीट करने में लगाया. फिर अगस्त में मैंने पूरे एक महीने में, बल्कि 1 महीने 10 या 12 दिन में एक ही आर्टिकल लिखा था एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस. मैंने उस पर बहुत टाइम लगाया, क्योंकि मुझे मतलब वही है, मैं स्टार्टिंग से भागता था, करना भी चाहता था, लेकिन मैंने वो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस 18,000 वर्ड का लिखा और वो मैंने 1 या 1.5 महीने में कंप्लीट किया. लेकिन जब मेरा आर्टिकल पब्लिश हुआ तो अभ्युदय सर ने देखा, तो उस पर अभ्युदय सर बोले बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है. तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि हाँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने 1.5 महीना मैं जब लिखता था तो यही सोचता था कि मैं पता नहीं क्या लिख रहा हूँ, गलत तो नहीं है, बार बार यही सोचता रहता था. लेकिन जब वहाँ पर जब मेरी तारीफ हुई तो मुझे लगा कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ. उसके बाद मैंने सर से बोला कि सर मैंने एक आर्टिकल कंप्लीट किया है, अब मुझे जुडिशरी से रिलेटेड कोई वर्क दीजिए, क्योंकि मुझे जुडिशरी में इंटरेस्ट है और मुझे जुडिशरी में ही जाना है. तो सर कोर्स
स्टार्ट कर चुके थे विशाल के साथ। हम उस टाइम सर लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर बाइफ्रिकेट कर रहे थे, तो सर ने मुझसे वही काम कराया ताकि मुझे ये पता चल सके कि कौन सा सेक्शन, मतलब कौन सा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आता है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मेंस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्री में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिल्ली की जुडिशरी कैसी होती है, हिमाचल की जुडिशरी के क्वेश्चन कैसे होते हैं, और स्टेट वाइज मैंने उसको बाइफ्रिकेट किया है। जुलाई में मैं आया, जैसे मैंने आपको बताया जुलाई में मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया, अगस्त में वही एक पूरा आर्टिकल लिखा मैंने एक महीने में, उसके बाद मैं सितंबर 15 सितंबर से जुडिशरी के कोर्स पे काम किया मैंने। मैंने बहुत डिफरेंस देखा क्योंकि कोर्स में, मतलब मैं बताता हूँ ना कि जब हम ग्रेजुएशन करते हैं तो एक दिन पहले ही पढ़ लेते हैं और एग्जाम दे देते हैं, हमें सेक्शन भी क्लियर नहीं होते हैं कि कौन से सेक्शन में क्या चीज़ है, कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। स्टार्टिंग में जब मैं बाइफिकेट कर रहा था तो मुझे खुद को पता नहीं चलता था कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, कभी कभी कंफ्यूज होता था। जैसे मान लीजिए इंजंक्शन का क्वेश्चन है तो वो सीपीसी से भी है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से भी है, वो दोनों टॉपिक फॉल करते हैं दोनों सब्जेक्ट में, तो मैं बहुत कंफ्यूज होता था। लेकिन मेरा ये कंफ्यूजन दूर हुआ और मैं अभी तक पूरी चीज़ें नहीं सीखा हूँ, लेकिन मेरा जो रिसर्च स्किल है वो इम्प्रूवमेंट आया। मतलब स्टार्टिंग में जो मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वो बहुत इम्प्रूव हुआ है कि मुझे अब लगता है कि हाँ मैं कोई भी स्टेट का जुडिशरी का एग्जाम निकाल सकता हूँ, कोई टफ नहीं। जब मैं बाइफ्रिकेट कर रहा था क्वेश्चन को तो मुझे स्टार्टिंग में तो सेक्शन का भी क्लियर नहीं था कि कौन से सेक्शन में क्या चीज़ है, लेकिन मैंने जब कई स्टेट के, दो तीन स्टेट के बाइफ्रिकेट किए तो मुझे, मैंने याद नहीं किए वो सेक्शन, लेकिन मैं वो रिपीट रिपीट होते थे तो मुझे, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो क्वेश्चन जो है, मतलब सेक्शन क्लियर होने लगे। और अभी मुझे कुछ आईपीसी के सेक्शन में, मतलब देखते ही बता देता हूँ कि सेक्शन कौन से सेक्शन में यह है, कौन से सेक्शन में ये, बेसिकली बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सेक्शन जो है रिपीट होते हैं, जैसे 299 कल्पेबल होमिसाइड मर्डर, ये सारे सेक्शन जो है आईपीसी के, ऑफेंस रिलेटिंग टू ह्यूमन बॉडी चैप्टर 16, ये सारी चीज़ें। मतलब मैं आईपीसी जब मैंने स्टार्टिंग में, मतलब कोर्स में था, जब मैं कॉलेज में था तो मुझे इतना नहीं पता था, लेकिन यहाँ पर आके मैंने बहुत चीज़ें सीखी है। और मैंने पढ़ा भी नहीं है कि मैं उसको याद करने लगा या बैठ के लिखने लगा, ऐसा नहीं है, मैं करते करते सीख गया। और अभी मैंने, मतलब बहुत कुछ नहीं किया है अभी, मुझे खाली मैंने बाइफ्रिकेट किया है तो मुझे इतना अपने अंदर चेंज दिखता है। तो आगे मेरे जो मेंटर है हर्ष सर, मुझे बहुत कुछ सिखाएंगे कि मेंस में कैसे लिखना है, तो मुझे लगता है कि मैं डेफिनेटली एग्जाम निकाल लूंगा जिस तरीके से मेरी प्रिपरेशन हो रही है। अगर मैं कुछ ऐसे लेके बैठ जाता, पढ़ने लगता कुछ भी, तो मुझे लगता है कि मैं कन्फ्यूज़ हो जाता, बहुत सारी, अब बहुत चीज़ें पढ़ लेता है बंदा तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। मुझे इतना नहीं पढ़ना है, सर मुझसे हमेशा बोलते हैं कि हम लोगों को बस इतना पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आए, इतना नहीं पढ़ना है कि बहुत सारा पढ़ लेते हैं तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, फिर एग्ज़ाम में भी हमारा टाइम टेबल भी नहीं बन पाता है और हम कन्फ्यूज़न में जो गलत भी लिख आते हैं। और अगर आप कम पढ़ा है और वो इम्पॉर्टेंट है तो आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। लॉ सीखो से मैंने बहुत कुछ सीखा है। पहले तो सबसे पहले चीज़ मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, क्योंकि मैं किसी से बात नहीं कर पाता था, मुझे लगता था कि किस तरीके से बात करनी है, अगर मेरे अंदर मुझे कुछ बोलना भी होता था तो मैं छुपा के बैठ जाता था कि मैं कैसे बात करूँगा। और रियल इंसिडेंट ये है कि रावण सर मेरे बराबर में बैठते थे और एक डेढ़ महीने मैंने इंटर्नशिप की, उस टाइम मैंने रावण सर से बात नहीं की, बस इसी डर से कि सर से मैं किस तरीके से बात करूँ। लेकिन अब मैं, जो मुझे कुछ पूछना होता है, कुछ भी पूछना होता है, किसी से ही पूछना होता है, मैं पूछ लेता हूँ। जो मेरा ये डर है, एक तो लॉ सीखो ने निकाला है डेफिनेटली, और दूसरी चीज़ लॉ को लेके मैंने इतना 5 साल में डेफिनेटली नहीं सीखा है, क्योंकि मैं वो चीज़ें जो थ्योरेटिकल करता था, यहाँ पर मैंने वो चीज़ें प्रैक्टिकल करी हैं, बायफ्रिकेट किया है या बेल ड्राफ्ट की है, तो वो प्रैक्टिकल अपने आप की है। मुझे एक सिचुएशन दी जाती थी और उसको मुझे खुद सॉल्व करना होता था, बस मुझे खाली बता दिया जाता कि करना कैसे है। तो जब कोई बंदा अपने आप कोई चीज़ को प्रैक्टिकली करता है तो उससे बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। थ्योरेटिकल नॉलेज ज़रूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल करने से आपके जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट, जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट हैं जो सीखने के हैं, वो क्लियर। सो मैंने जो 5 साल में नहीं सीखा था वो मैंने लॉ सीखो में 5 महीने में सीख लिया है, और मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है रामानुज सर से, अभ्युदय सर से, हर्ष सर से, जिससे भी, गरीबा मैम से, सबसे सीखना है, क्योंकि सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से सिखाते हैं।
तो और मुझे सीखना है, और मुझे लगता है कि मैं अगर लॉ सीखो में रहूंगा तो मैं जो मेरा गोल है जुडिशरी का वो डेफिनेटली मैं क्लियर कर लूंगा। मुझे उम्मीद है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा है।